नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। इस वीडियो के तहत महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू और एग्जाम से संबंधित आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स के जो है आंसर देने का है, इस वीडियो के तहत प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के तहत दी जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा, विभाग ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू जो सामान्य विद्यालय के टीचर्स हैं उनको इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षण कार्य हेतु जो पदस्थापित किया जाएगा उससे संबंधित विभाग ने दो बार जो है इंटरव्यू हेतु आवेदन के लिए लिंक जो है खोला था और उसके तहत लगभग 45,000 अध्यापकों ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है शिक्षण कार्य हेतु आवेदन किया है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के तहत दी जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आप विभागीय आदेश, रिजल्ट्स, आंसर कीज, दैनिक समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, ये सभी अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू और एग्जाम से संबंधित आपके कमेंट्स और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो। जी हाँ, जैसा कि आपको बताया, लगभग 45,000 अध्यापकों ने जो है इस हेतु आवेदन किया है। एग्जाम डेट जैसा कि आपको पता होगा 10 अगस्त 2023 विभाग ने इसकी एग्जाम डेट फिक्स की है। अब इनसे जुड़े महत्वपूर्ण कमेंट्स आपको जो थे उनके जो है जवाब देने का जो है इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया गया हमारे द्वारा। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, जैसे कि आपको पता होगा जो एग्जाम होगी, जो आपका वर्तमान में पोस्टेड जिला है, जिस सामान्य विद्यालय के जिस जिले में आप अभी शिक्षण कार्य करवा रहे हैं उसी जिले में आपकी एग्जाम डेट होगी या एग्जाम आपकी लगेगी। परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको और इसके तहत बता देते हैं। वैसे आपको हमारे कल के वीडियो में इसे तो अपडेट दी गई थी। जी हाँ, चाहे प्राचार्य हों, जी हाँ, चाहे लेक्चरर हों, चाहे वरिष्ठ अध्यापक हों, चाहे लेवल फर्स्ट के टीचर्स हों, चाहे लेवल सेकेंड के हों, जी हाँ, अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधित प्रश्न जो कि 50% उनके रहने वाले हैं, जो कि उनका लेवल रहेगा सेकेंडरी लेवल, जी हाँ, माध्यमिक स्तर तक के 50% इसमें रहने वाले हैं। अब प्राचार्य पद की अगर बात करें तो 50 प्रश्नों के अलावा 5 प्रश्न रहेंगे लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ, नेतृत्व और प्रशासन संबंधित, और 5 प्रश्न रहने वाले हैं शिक्षा विभाग की योजनाओं से संबंधित, जी हाँ, शिक्षा विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे संबंधित 5 प्रश्न रहने वाले हैं। जी हाँ, टोटल अगर बात करें तो 60 प्रश्न इसमें रहेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, अधिकतम जो अंक हैं वो 30, जी हाँ, 30 अंक इसमें रखे गए हैं, और मिनिमम 12, जी हाँ, माना जाए तो 40% अंक लाने वाले जो हैं। इसके अलावा जो और इंटरव्यू होगा उसके भी अंक, तो दोनों को मिला करके जो इसमें सफल हो पाएगा, और उसके अलावा भी रिक्त रहे विभाग को आवश्यकता अनुसार ही जो है पदस्थापित आपको किया जाएगा। अब ये तो प्राचार्य पद हेतु था। समयावधि की आपको जानकारी दे तो समयावधि 1 घंटे की समयावधि रहेगी, जैसा कि आपको हमारे अन्य वीडियो में भी इसे तो बताया गया है। अब नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, जी हाँ, 1/4, 1/4 इसके तहत नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बात करें अब व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, लेवल प्रथम और लेवल सेकंड के टीचर्स के लिए, तो इनके तहत क्या पाठ्यक्रम या सिलेबस रहेगा, तो इनमें 50 प्रश्न वही अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधित प्रश्न, लेवल वही सेम रहने वाला है सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर तक का लेवल रहेगा, और 10 प्रश्न इनमें रहेंगे
विभागीय योजनाओं से संबंधित। जी हाँ, तो इनमें प्राचार्य पद की तुलना में जो 5 प्रश्न दिए थे नेतृत्व और प्रशासन से संबंधित, वो इनमें नहीं रहने वाले हैं। जी हाँ, अब कई अभ्यर्थियों की ये भी प्रश्न थे कि क्या पेपर इंग्लिश में आएगा, कि मैं साइंस मैथ का टीचर हूँ या लेवल फर्स्ट का हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें बताया कि अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधित प्रश्न हैं सेकेंडरी लेवल के, तो जो पेपर है संभवतः जो है इंग्लिश में ही रहेगा। इसके अलावा और भी कमेंट्स है, जैसे कि अगर कोई CCL पर है तो क्या वह एग्जाम दे सकता है या दे सकती है, तो उससे संबंधित जवाब यही है कि एग्जाम दे सकते हैं। कई अभ्यर्थियों के प्रश्न ये भी हैं कि जैसे मान लीजिए अभी जो एग्जाम है संबंधित पोस्टेड जिले में हो रही है, तो क्या इंटरव्यू भी उसी जिले में होगा। तो दोस्तों, इसे तो हालांकि अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एग्जाम हो रही है तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू भी उसी पोस्टेड जिले में हो। लेकिन दोस्तों, ये अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इस हेतु कोई अन्य अपडेट आएगी तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, अवश्य इस हेतु जो है जानकारी दी जाएगी। अब बात कर लें इसमें, जी हाँ, तो ये सब कुछ इसके तहत आपको बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको हर संभव प्रयास, हर संभव मदद देने का जो है हमारी कोशिश रहेगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी आप सभी अध्यापकगणों के लिए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू और एग्जाम से संबंधित है। और जो एग्जाम की सूचना है आपको ईमेल किया जा सकता है, या कॉल किया जा सकता है, या फिर मैसेज किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई अन्य अपडेट रहेगी, जी हाँ, एग्जाम संबंधित, तो आपको अवश्य इसे तो अपडेट दिया जाएगा, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहेंगे, शिक्षा विभाग की हर प्रकार की अपडेट प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर ले, हर प्रकार की अपडेट हमारे टेलीग्राम पर दी जाती है। तो महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा यदि आपके मन में और अन्य कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करें, आपको हर संभव मदद देने का प्रयास किया जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी के लिए बहुत ही कम समय में ऑथेंटिक जानकारी लेकर के आते हैं। इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।